देश की दिशा और दशा। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और पता हमें दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है। नमस्कार, मैं रवि नामीज न्यूज लाइन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं चाय की चौपाल। लोकसभा क्षेत्र का मतदाताओं का क्या है रिझान, यह जानने के लिए हमारी चाय की चौपाल की टीम पहुंची नागपुर झिंगा भाई टाकली। देखते हैं चाय की चौपाल की टीम की खबर झिंगा भाई टाकली से। नमस्कार, मैं नेहा मिश्रा, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। हम लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नागपुर जोन में है आज, और यहाँ झिंगाबाई टाकड़ी एरिया में हम लोग आज यहाँ पे हमारी चाय की चौपाल लगी हुई है। हमारी पूरी टीम यहाँ पर आज लोगों की प्रतिक्रियाएं जानेगी, देखेंगे कि इस चुनाव का जो माहौल है वो किस तरफ रुख कर रहा है, किस तरह की सरकार की, यानी जो एक नेता होता है आपका वो किस तरह का होना चाहिए। कोई भी आपने क्या फर्क कोई फर्क नहीं पड़ेगा यस हाँ किस तरह का उम्मीदवार देखते हैं आप, यानी उम्मीदवार की जो डेफिनेशन होती है वो आपके हिसाब से कैसी है? उम्मीदवार वही है जो जनता के बारे में सोचे और हर काम वो वक्त पे जनता के करे। अगर जनता मुसीबत में है तो उनके पास अगर गए तो वो उनका काम करे, वही उम्मीदवार हम जिता देंगे। विकास के नाम पे अगर देखा जाए तो नागपुर में क्या किस तरह का, यानी नागपुर ने गति पकड़ी है या फिर बस ऐवें ही चले जा रहा है? नहीं, पहले से तो नागपुर विभाग यहाँ पे बहुत गति पकड़ी हुई है, हर जगह आने जाने वालों को सुविधा करके दी है, और बहुत सारे गरीब लोग हैं ऐसे जिनको ऐसे बहुत पुराने घर में या ऐसी जगह रहते थे उनके लिए घर बना के सुविधा करके दिए, और सबसे ज़्यादा तो जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम था वो नागपुर शहर में रास्ते के कारण दूर हो गया है। जी, तो आपकी बार किसकी सरकार? अब मोदी जी ने हमारे लिए इतने सारे सब फैसिलिटीज़ दिए, सब सुविधा किए, तो हमारे लिए तो मोदी जी रहेंगे। थैंक यू सो मच। आप वोट करने वाले हो? नहीं, मैं छोटी हूँ। थैंक यू सो मच। आप 11 तारीख को वोट करेंगे? हाँ। किस तरह का उम्मीदवार देखते हैं? मोदी जैसा। थैंक यू सर। 11 तारीख को लोकसभा के इलेक्शन है, आप वोटिंग करेंगे? मेरा वोट कार्ड ही नहीं है। आपका वोट कार्ड नहीं है? क्यों, बनवाया नहीं है? आप एज में नहीं बैठते? आया नहीं? आप वोटिंग करेंगे सर? वोटिंग करेंगे ना। आपका उम्मीदवार किस तरह का होना चाहिए है? आपका जो उम्मीदवार है, यानी एक जो प्रतिनिधि होता है जनता का, वो किस तरह का होना चाहिए? काम करने वाला होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, नाना पटोले और नितिन गडकरी? थैंक यू सो मच। नितिन गडकरी वही है ना, जी नितिन गडकरी। थैंक यू। आता लोकसभाचं चुनाव आहे 11 तारखेला, तर आपण वोट करणार का? हो, करणार। तर आपला जो उमेदवार रहता है वो किस तरह का रहना चाहिए, कसा असला पाहिजे उमेदवार? बरोबर असला पाहिजे। कसा म्हणजे? मी नाही राहत पण करणार आहे ना, वोट करणार। बरं, धन्यवाद। 11 तारीख को इलेक्शन है सर, आप वोटिंग करेंगे? जरूर करूंगा, वोटिंग तो सभी ने करना चाहिए। ये लोकसभा चुनाव ये अपना राष्ट्रीय उत्सव है, इसमें सभी मतदाताओं का ये अधिकार है कि सभी ने चुनाव करना चाहिए। देश का नेता कैसा हो ये उन्हें चुन के देना चाहिए और देश का विकास करना चाहिए। आपके नज़र में एक उम्दा उम्मीदवार कौन होता है? उम्मीदवार जो जनता के हित के बारे में सोचे, जनता की योजनाओं को उन तक पहुँचाए और देश के विकास में अपना संपूर्ण योगदान दे। नागपुर की प्रगति को देख के आपको क्या लगता है? अब इतने साल से तो देख ही रहे हैं, और अगर जो कुछ विकास होना था वो इतने सालों में तो कहीं दिखा नहीं। और साधारण आदमी की ज़रूरत होती है कि हमारे देश में रोड अच्छे हो, गटर लाइन हो, पानी की लाइन हो, और जो यानी जो 4 से 5 जो समस्या है वो टोटली उनको मिले जी। और रोज़गार की बात है तो रोज़गार तो अभी गवर्नमेंट ने पहले से ही बंद कर दिया है, अभी 5 साल में तो नहीं हुए, उसके पहले भी बंद हुए, और रोज़गार आते भी रहेंगे और जाते भी रहेंगे। तो हर नागरिक ने, मेरे को ऐसा लगता है कि कोशिश करो तो रोज़गार भी मिलता है, क्योंकि बाहर जो अपना महाराष्ट्र स्टेट है उसको छोड़ के अगर बाहर देखेंगे तो इतने सक्षम लोग हैं कि वो नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव रहते हैं और उन्हें नौकरी मिलती भी है। अगर कोशिश करो तो हर चीज़
मुमकिन है। तो आपका कहना यह है कि हमारे इधर का जो युवा है वो उस दिशा में गतिशील नहीं है। गतिशील नहीं है, उनको प्रयत्नशील बनाने की जरूरत है, इसके लिए योजनाओं का शिविर लेना चाहिए। नहीं, बट योजनाओं के नाम पे तो बहुत सारी चीज़ें मोदी सरकार द्वारा दी गई है। हाँ, मोदी सरकार की योजनाएं हैं, उन पे थोड़ा सा अगर कोशिश ज़्यादा करे तो मुझे नहीं लगता कि युवा बेरोजगार रहेंगे। तो आपकी बार किसकी सरकार? आपकी बार तो देखिए 5 साल में तो अच्छा ही परिवर्तन आया है, मैं चाहता हूँ कि एक चांस मोदी सरकार को देना चाहिए। थैंक यू सो मच। को लोकसभा के इलेक्शन है तो आप अपने उम्मीदवार को किस तरह देखते हैं? ये ऐसा है मैडम, आजकल कैसा है सब अपने अपने देखते हैं। और आप भी अपना अपना देखते हैं? नहीं नहीं, जिसकी ज़रूरत है उस चीज़ पूरा नहीं हो पा रहा अभी। तो यानी किस तरह की ज़रूरत है और क्या पूरा नहीं हो पा रहा है? कैसा है, सभी लोग आजकल जॉब के लिए देख रहे हैं, जॉब नहीं मिल पा रहा अभी, और जिस चीज़ की अपने को ज़रूरत है वो पूरा नहीं हो पा रहा अभी। तो आप भी जॉब की उम्मीद करते हैं क्योंकि आपका तो शायद खुद का शॉप है? मेरे से और बहुत सारे हैं ना ऐसा है। तो विकास के नाम पे अगर देखा जाए तो नागपुर में क्या गति है अभी? ठीक है, अच्छा चल रहा है अभी, करियर है अपने, ठीक है, हम उन्हीं के साथ है अभी। ठीक, तो आपकी बार किसकी सरकार? देखते अभी सामने क्या होता है। थैंक यू सो मच। आप किस तरह देखते हैं आने वाले लोकसभा चुनाव को? सभी अच्छे हैं, अभी जिसको देने का उसको देंगे हम अपनी मर्जी से। वोट देने की बात नहीं कह रही हूँ मैं ये कह रही हूँ कि आप अपने प्रतिनिधि को किस तरह देखते हैं, यानी आपका प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, सबके काम करने वाला, अच्छा, सबका भला हो, ऐसी जो विकास करेगा उसे मत जाएगा। हाँ, 11 तारीख को इलेक्शन है, आप वोटिंग करेंगे? हाँ करेंगे ना। किसके यानी किसके आधार पर करेंगे? हमारा आधार था अभी आधार नहीं, यानी विकास के इस पे करेंगे या फिर चेहरा देखकर करेंगे? विकास के पे। तो अभी आपको क्या लगता है नागपुर में विकास हुआ है? नहीं हुआ अभी। नहीं हुआ, तो किस तरह के विकास की उम्मीद कर रहे हैं आप? हमारा कमड़च है। आपका कमड़च है? हाँ। धन्यवाद। आपका लोकसभा में आप इलेक्शन में वोटिंग करेंगे तो आप किसको देखते हैं जीतते हुए? कमड़ को देखते हैं। 11 तारीख को इलेक्शन है सर, आप वोटिंग करेंगे? यस। आप किस तरह से वोटिंग करेंगे, यानी आप अपने उम्मीदवार को किस तरह देखते हैं? अच्छे से, कांग्रेस के अपन, कट्टर कांग्रेस है। 11 तारखेला वोटिंग आहे, आपण वोट करणार? हो। तर कोणत्या पक्षाला करणार? कोणत्याही पक्षाने करू, आमचे मिचे काही विचार नाही केला। हां, 11 तारीख को इलेक्शन है तो आप वोटिंग करेंगे? करेंगे ना। किस तरह का उम्मीदवार देखते हैं आप? अब देखेंगे जो अच्छा हमको लगे हो। तो आपको क्या लगता है नागपुर में विकास के नाम पर विकास हुआ है या और कुछ? विकास तो हुआ है ना। विकास तो हुआ है। तो फिर भी आपको क्या लगता है क्या होगा चुनाव का नतीजा? भाई साहब आगे भी मालूम पड़ेगा ना, आने के बाद ही लोकसभा का चुनाव है अभी, तो आप वोटिंग करेंगे? हाँ वोटिंग करेंगे, 11 अप्रैल को है। तो किस तरह के उम्मीदवार को देखते हैं आप जीतते हुए? जिसने अच्छा कुछ काम किया है अभी ये 5 साल के अंदर, ऐसे उम्मीदवार को वोटिंग करेंगे। तो आपकी बार किसकी सरकार? सरकार किसकी आएंगी ये तो डेफिनेट बता नहीं सकते, फिर भी शक्यता है बीजेपी की। उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? अच्छा उम्मीदवार होना चाहिए, गडकरी को देंगे वोट, गडकरी को देंगे। 11 तारीख को इलेक्शन है, वोटिंग करेंगे आप? हाँ। किस तरह का उम्मीदवार देखते हैं? जो अच्छा काम करेंगे उस वो वाला। तो आपको क्या लगता है नागपुर में किसकी सरकार? अभी बता नहीं सकते क्योंकि बीजेपी तो थोड़ा यही चल रहा है ना, अभी ढली चल रहा है। क्यों ऐसा लगता है आपको? पता नहीं, जो वादा करते वो निभाते नहीं ना। आपको क्या लगता है विकास नहीं हुआ नागपुर में? नागपुर का विकास हो रहा है लेकिन जैसे बाकी खेड़े गाँव है उनका विकास नहीं हो रहा है। तो किस तरह का विकास चाहिए आपको? जैसे दवाखाने चाहिए, जैसे सुविधा चाहिए शेतकड़े की, वैसे नहीं हो रही है। तो आपको ऐसा लगता है कि 70 साल और 5 साल को आप बैलेंस कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। कैसे करेंगे क्योंकि 70 साल कांग्रेस की सत्ता थी, अभी 5 साल ही हुआ है बीजेपी की सत्ता को, तो आपको ऐसा लगता है कि 70 साल में जो सरकार नहीं कर पाई वो 5 साल में बीजेपी कर पाती? कर पा रही है, वैसे काम तो कर रही है मोदी सरकार, लेकिन और थोड़े जैसे खेड़े गाँव में जो खेती के ऊपर ध्यान दिया क्योंकि शेतकरी की आत्महत्या बढ़ रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि उस पर ध्यान देना चाहिए तो आपको ऐसा नहीं लगता दोबारा मौका देना चाहिए? देना तो चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। अब देखते हैं खबर चाय की चौपाल, नागपुर वाड़ी अमरावती रोड से।
नमस्कार, मैं नेहा मिश्रा, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव। हम अभी हमारी चाय की चौपाल की पूरी टीम आ पहुंची है नागपुर के वाड़ी एरिया में। ये इंडस्ट्रियल एरिया है और लोकसभा के चुनाव के मद्देनज़र यहाँ पे हम दोनों जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर यहाँ के लोगों की प्रतिक्रियाएँ जानने की कोशिश करेंगे। तो हम रुख करते हैं लोगों की ओर। 11 तारीख को इलेक्शन है, हम वोटिंग करेंगे? नहीं, हमारा वोटिंग कार्ड ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं बनवाया? बनाया दो तीन बार, बने नहीं। अपने नगर सेवक से नहीं कहा? नहीं, नगर सेवक भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं, हम बोले ही नहीं, वहाँ पे पुटारे पे बनाया था रविनगर में, बने ही नहीं। ठीक है, 11 तारीख को इलेक्शन है, आप वोटिंग करेंगे? वोटिंग करेंगे मैडम, लेकिन वोटिंग कार्ड नहीं है ना अपने पास। करेगा रहेगा वोटिंग पास, किसी के पास नहीं है लड़की के पास। पर हम यहाँ के नहीं, हम हरियाणा के निवासी हैं, इसलिए हम यहाँ वोटिंग नहीं कर पाएंगे। हमारा वोटिंग करने का बहुत मन है। आपको क्या लगता है, विकास के नाम पर अगर देखा जाए तो नागपुर में अच्छा काम चल रहा है? हाँ जी, अच्छा है जी। आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लाइन में? हाँ जी। हम तो आपको क्या लगता है, आपको कोई दिक्कतें होती है ट्रांसपोर्ट? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया प्रशासन है, बढ़िया सरकार है जी, इससे कोई टेंशन नहीं है। धन्यवाद सर। 11 तारीख को वोटिंग करेंगे? जी हाँ। किस तरह के उम्मीदवार और किस तरह का नेता देख? बीजेपी। धन्यवाद। किस तरह का नेता देखते हैं आप? अभी तो फिलहाल में अच्छे ही देखना है, नितिन गडकरी को देख रहे हैं अभी सब। नेता अच्छा कार्य करने को ना मैम। तो आपको क्या लगता है किस तरह का, यानी अभी जो नागपुर में जो कार्य हुए हैं उसके हिसाब से? देखिए मैम, मैं तो अभी कांग्रेस का काम कर रहा हूँ मैम। तो आप कांग्रेस के तरफ से हैं। 11 तारीख को इलेक्शन है, आप वोटिंग करेंगे? नहीं करेंगे, हमारी वोटिंग ये तो करेंगे इतना। तो किसको वोट करेंगे, चाय वाले को या फिर इधर? किसको भी करेंगे, तुम बताओ किसको करना है। नहीं, हम क्यों बताएंगे, वो आपका आपका स्वतंत्र मत है, आपको किसको करना है। आप क्या सोच कर मत करेंगे? क्या सोचते हैं कि अच्छे दिन आने को होना ना। अच्छा, तो आपकी बार किसकी सरकार? जी सब बुरे दिन आ गए जब से मोदी है तब से। तो अच्छे दिन अभी बोला आपने? हाँ तो अच्छे दिन। हाँ नहीं तो क्या, हमारे ठेले हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ, हम क्या जाएंगे, हम कैसे पेट भरेंगे? हाँ बताओ, तीन बार हमारे ठेले हटाए अतिक्रमण में, अतिक्रम में कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? हाँ फिर अच्छे लोग आएंगे, वो अच्छा रहेगा, उसको अमाउंट देंगे। धन्यवाद। तो आपको क्या लगता है, नागपुर का जो विकास हुआ वो गलत किया मोदी ने? मोदी ने गलत काय को किया, वो बोले कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन कौन से अच्छे दिन लाए। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि 5 साल में ये सारी चीजें करना मुमकिन नहीं है? मुमकिन नहीं है। तो क्या करेंगे अभी, किस तरह का वोटिंग करेंगे? किस करेंगे, जैसे हमारे मन में आएंगे उससे देंगे। यानी आप अपना जो आपके हक में रहेगा आप उनको वोट करेंगे? हाँ। 11 तारीख को इलेक्शन है, आप वोटिंग करेंगे? हाँ करेंगे ना। किस तरह का नेता देखते हैं? मोदी समान। क्या लगता है आपको, आपका भी अतिक्रमण में हटा होगा ठेला? हाँ हटाता ना, डबल बैठा लेना। आप अभी जैसे आंटी ने बोला कि मोदी सरकार में ये सारी चीज़ें आप उनके साथ हुई, तो आपको नहीं लगता कि मोदी सरकार ये गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? कोई भी हटाते हो, कोई भी बैठाते हैं, उसमें क्या है, दोनों सरकार में ये चीज़ें होती है। यानी इन शॉर्ट बोला जाए तो जिसको पैसे खाना है वो बराबर हटा देते हैं। वो बात अलग है ना। तो यानी ये सरकार द्वारा किया जाता है आपको ऐसा लगता है या नगर परिषद द्वारा किया जाता है? नहीं किया जाता है, सरकार द्वारा नहीं किया जाता। तो ये आम जो बीच में जो लोग होते हैं ठेकेदार समाज के, वो ये सारी चीज़ें करवाते जिसमें आम जनता फंस जाती है। तो आपको क्या लगता है, विकास के नाम पर मोदी ने जो नागपुर में किया है वो ठीक है या फिर आप अपने उम्मीदवार को किसी और पक्ष का देखते हैं? एक तरह से ठीक भी है, एक तरह से ठीक है। हाँ। तो आप कितनी बार वोट करने वाले? तीसरी बार करने वाले। तो अभी जो पहली बार वोट करने वाले हैं उनको कुछ कहना चाहते हैं? नहीं फिलहाल कुछ नहीं कहेंगे। थैंक यू सो मच। किस तरह की सरकार? बीजेपी। आप वोटिंग करेंगे? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? मेरा कार्ड नहीं आया। ओके, कार्ड नहीं आया, थैंक यू। क्यों नहीं करेंगे, हमारा हक है वो। तो आप किस तरह की सरकार देखते हैं? जो आगे जाके हमारा डेवलपमेंट करे, ताकि हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़े। अभी MIDC देखी जाए, सब बंद होने पर आ जाए, उसका बढ़ना चाहिए। तो आपको क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार? अभी तो लहर मोदी की चल रही है। 11 तारीख को इलेक्शन है तो आप वोट करेंगे? जी वोट तो करूंगा बिल्कुल। किस तरह का नेता देखते हैं आप? जीतते हुए मैडम देखिए, अभी नेता तो कोई भी आए, लेकिन नितिन गडकरी जी ने जो काम फिलहाल किया है उनके जैसा नेता अभी भी नागपुर को जरूरत है, और वही आएंगे कि नागपुर के अंदर में दूसरा तो कोई आ ही नहीं सकता। 11 तारीख को आप वोटिंग करेंगे? हाँ। किस तरह का नेता देखते हैं, उम्मीदवार किस तरह का होना चाहिए? जो अच्छा काम कर सके।
तो अब की बार किसकी सरकार? की बार वही जो लोगों के दिलों में है, नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं नेहा मिश्रा, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव। हमने आज नागपुर में चाय की चौपाल लगाई हुई थी। ये चाय की चौपाल संपूर्ण नागपुर में जगह जगह पर लगी। ये पुष्प संध्या अपार्टमेंट है। हम यहाँ पे चाय की चौपाल की टीम पूरी यहाँ लेकर आए हैं, जो कि लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र यहाँ पे आई है, और यहाँ के लोगों के ओपिनियन हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोग किस तरह का नेता एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने नागपुर सिटी के लिए। 11 तारीख को इलेक्शन है सर, आप वोटिंग करेंगे? बिल्कुल। और किस तरह का उम्मीदवार चाहते हैं, आपकी जीत क्या है? देखिए, कोई भी है, बस ये है कि जो तकलीफ है दूर हो पब्लिक की, और कुछ नहीं, और बस कुछ नहीं। बस फिर भी आपको क्या लगता है कि 5 साल में जो विकास हुआ है नागपुर में वो सफिशियंट है या फिर और हो सकता है? अच्छा, 60 साल के मुकाबले तो 5 साल को कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छा। हाँ, और भी कुछ कहना चाहते हैं सर? बस जो हो रहा है डेवलपमेंट आगे होते रहे। 11 तारीख को इलेक्शन है सर, आप वोटिंग करेंगे? अरे क्यों नहीं करेंगे, वोट तो सबको करना ही चाहिए जी। तो 11 तारीख को जब आप वोटिंग करेंगे तो आपके दिमाग में जो एक छवि है नेता की वो किस तरह की होगी? देश को प्रगति की ओर जो लेके जाने वाला है ऐसी गवर्नमेंट को मुझे लाना है जी। तो यहाँ से हमारे 2 उम्मीदवार है, एक है नाना पटोले और एक है गडकरी सर। तो आप क्या सोचते हैं, दोनों के बारे में आपका क्या एक व्यू है? जिन्होंने भी जो अच्छा काम किया है उनको चुनना है, उनको चुनना है। बिल्कुल। लोकसभा के चुनाव है मैम 11 तारीख को, आप वोटिंग करेंगे तो आप अपने नेता में क्या क्या विशिष्टताएं, यानी क्या क्या गुण देखते हैं जो उसमें होने चाहिए? जो देश के लिए अच्छा करेगा, देश भ्रष्टाचार मिटाएगा, बस वही अच्छा नेता है। वही अच्छा नेता है। तो आपकी बार किसकी सरकार? ये तो नहीं बता सकते, जो अच्छा होगा वही सरकार, बस। थैंक यू सो मच। 11 तारीख को इलेक्शन है तो आप वोटिंग करेंगे, तो आप अपने उम्मीदवार को किस तरह देखते हैं, किस कैटेगरी में रखते हैं? तो मोदी जी को वोट करूंगी, क्योंकि आज की स्थिति में जो प्रधानमंत्री हैं ऐसा प्रधानमंत्री देखने को नहीं मिलेगा। और मैं सबसे यही उम्मीद करूंगी, सभी लोगों से मेरी यही राय है कि प्रधानमंत्री मोदी को ही बनाएं, यानी उन्हें मौका देना चाहिए। ओके ओके, 5 साल फिर से उनको एक बार मौका दें, क्योंकि अभी कुछ दिखा है और भी बहुत कुछ दिखने को बाकी है। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैडम। देश हित के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, देश हित के लिए, देश हित की, देश हित की बात आई तो नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि कोई व्यक्ति इतना यानी कि धमाके से मंच के ऊपर से खड़े रह के ये नहीं बोल सकता, कोई भी नेता, जहाँ तक मेरा व्यू है, कि जो आग तुम्हारे सीने में जल रही वही आग मेरे सीने में जल रही, तो ये धमक और ये बात सिर्फ नरेंद्र मोदी में। इलेक्शन है मैम, आप वोटिंग करेंगे? Yes. तो किस तरह का उम्मीदवार देखते हैं आप लोकसभा चुनाव में? हमको ये देखना है कि जो भ्रष्टाचार कम करे, और जो हम लोग पैसा दे रहे हैं इनकम टैक्स है इसमें, तो हमारा पैसा पूरा यूज हो। नागपुर के विकास को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? नागपुर में तो बहुत विकास हो रहा है, अभी मेट्रो आ रही है और इतने हाईवे बन रहे हैं, तो नागपुर में तो विकास। जो अभी पहली बार वोट करने वाले हैं बच्चे, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? उनके ये संदेश दूंगी कि अपने पसंद के, अपने फेवरेट छोड़ के जो काम कर रहा है हमारे देश के लिए उससे वोट दे, यानी सोच समझ के वोट दे, किसी के कहने पे ना दे। थैंक यू सो मच। हमने अभी यहाँ पे इस सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं जानी, इसके बाद हमारी चाय की चौपाल की टीम किसी और जगह पे प्रतिक्रियाएं लेगी। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव। धन्यवाद। यह है लोकसभा क्षेत्र का जनता का हाल, उठ के करवट बैठेगा, इसके नतीजे आने पर ही पता चलेगा। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।